偶闪电。21 अप्रैल 2019 के महावाक्य हैं, 26 अगस्त 1984 को अव्यक्त बाप दादा ने आकर के लिए सुना। लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना, और वर्तमान लक्ष्य है हमारा विष्णु चतुर्भुज। और ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो स्वार्थ की बजाय, सिर्फ अपने तक जीने की बजाय सेवा अर्थ काम। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं, आज बाबा कौन सा मिलन देख रहे हैं? त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। एक है ज्ञान सूर्य, दूसरा है ज्ञान चंद्रमा, और तीसरे है ज्ञान सीता। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का मिलन, ये त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुबन मंडल में होता है, या मंडल का मतलब क्षेत्र। आकाश मंडल में चंद्रमा सितारों का मिलन होता, और इस बेहद के मधुबन मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन। मधुबन है बेहद का मंडल, और आकाश है हद का। उल्टा काम हो गया। हाँ, आज तक तो हम ये समझते थे वो बेहद है और यहाँ हद है। इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है, और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है। इससे लवली और लाइट हाउस बन जाते हैं। ये दोनों शक्तियां सदा साथ साथ रहे। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बनाते। ब्रह्मा हो गया बड़ी माँ, वो देता है स्नेह, और सूर्य बाबा हो गया बाप, वो देता है शक्ति। किसी भी वर्ग वाली आत्मा जो भी कोई कार्य कर रही है, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो, चाहे अपने नाम के स्वार्थ से करते, अल्पकाल के साधनों से करते, लेकिन लक्ष्य स्वयं प्रति व सर्व प्रति क्या रहता? सुख शांति। सर्वे भवन्तु सुखी। स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है। जहां स्वार्थ आया वहां लक्ष्य से दूर। ऐसी आत्माओं को अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ। एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द का अंतर कर दो तो सफलता का मंत्र, सलाह, रास्ता मिल जाएगा। वे है
स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सेवा अर्थ कर रहा हूँ, जहाँ अपने लिए किया स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है, स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है, सेवा अर्थ ये संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता प्राप्त कराता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त, चाहे वो लौकिक कार्य है चाहे अलौकिक कार्य है, हम निमित्त हैं। बस हमें जो करना है उस करने के निमित्त है बस। उसे अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता सहज पा लेते हैं। ऐसे एक शब्द के अंतर का मंत्र हर वर्ग वाले को सुना। सारे क्लेश हलचल अनेक प्रकार के विघ्न जो विश्व में चारों ओर के हंगामे, वो इस एक शब्द के कारण, वो एक शब्द है स्वार्थ। जितने भी दुनिया में क्लेश है, हलचल है, हंगामे हैं, उनका कारण है एक शब्द स्वार्थ। इसलिए सेवा भाव समाप्त हो जाता है। जो भी जिस भी ऑक्यूपेशन वाले हों, जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं? जितने भी मिनिस्टर बनते हैं सेवा के लिए, वो सेवक चला रहा है, चौकीदार, निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं। लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाते हैं। तो मूल कारण चाहे कोई भी विकार आता है उसका बीज है स्वार्थ। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे आना। यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो सेवा अर्थ शुरू हो जाओ, अब से शुरू हो जाओ। जो बीत गया वो बीत गया, अब से शुरू हो जाओ। तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रही हो और सब कुछ दे देते हैं, आप देते हो उनको चाबी और वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन खजाने की चाबी कोई नहीं देता। तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रहे हो और सब कुछ दे देते हैं, लेकिन खजाने की चाबी कोई नहीं। जो और कोई नहीं देता वो आपको देनी है। जब सर्व खजानों की चाबी उनके पास हो गई तो सफलता ही। अच्छा, आज तो बाबा सिर्फ बच्चों से मिलने आए थे, राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा, राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा। स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया है। आप जैसे ही बाप को पहचाना तो बाप ने आपको क्या दे दी? स्मृति दे दी। क्या स्मृति दी? आप एक आत्मा। ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलक धारी और देवता राज्य तिलक धारी। ब्राह्मण माना स्मृति का तिलक लगाने वाले और देवता माना राज्य तिलक। बाकी दोनों के बीच में फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक, ब्रह्मा सो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव।
संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक, बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे? संपन्न और समान स्वरूप का तिलक सब विशेषताओं का की मणियों से सजा हुआ तिलक, ऐसे तिलकधारी ताजधारी परिस्ता स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीब श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी मना रहे हैं। ताजधारी बन गए ना, ताज तिलक और तख्त, क्या क्या धारण किया? ताज तिलक और तख्त। ताज कौन सा? पवित्रता। पवित्रता के ताज से हमें औरा मिली। और कौन सा ताज होता है? रतन जड़ित ताज। रतन जड़ित ताज किसे मिलेगा? क्या करना होगा? पवित्र रहेंगे तो हमें वहां पर औरा मिलेगा लाइट का, है ना। और रतन जड़ित ताज कैसे मिलेगा? जितना सेवक, जितनी आत्माओं का कल्याण करने की जिम्मेवारी लेंगे, जितना जितनी आत्माओं और बाप के दिल पर राज्य करेंगे, उनके दिल पर राज्य करना माना सेवा, सेवा करेंगे। उनके दिल में हमारी जगह कब बनेगी? जब उनको हमारे द्वारा सुख हो जाए। ताज दो हो गए, तिलक हो गया आत्मस्मृति का, तख्त बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे, सर्वात्माओं के दिल तख्त पर बैठेंगे तो सिंहासन। यही विशेष सेरेमनी है। अभी सेरेमनी मनाने आए हो ना, बाबा के पास क्या करने गए हैं? सेरेमनी मनाने आए हो ना। अच्छा, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारों को बाप दादा सफलता की माला गले में डाल रहे हैं। माला गले में डाल रहे हैं सफलता की। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हो, इसलिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कल्प का, एक कल्प का नहीं, हर कल्प का आपका क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी निश्चय नशे में सदा उड़ते थे, इसी निश्चय और नशे में सदा उड़ते चलो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोक भी रोज माला फेरते। और पहनाते भी हैं। एक तो होती है फेरने वाली माला और एक होती है पहनाने। जो सच्चे फेरने वाली मतलब याद करना, पहनाने वाली मतलब सम्मान देना। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वो अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते। तो बाप दादा कौन सी माला पहनते हैं? वो पहनाते हैं फूलों की मालाएं, गुलाब के फूलों की मालाएं। और बाबा को चाहिए आत्माओं की और नई नई आत्माओं की माला डाली जाए।
तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे श्रृंगारे होते हैं, बाप दादा श्रृंगारे होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते, पुष्प अर्पण करते, ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को कौन से फूल देंगे? कैसे फूल देते? पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण कर, उमंग और ऐसी स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की वरदानों की शक्तियों की माला डालते हैं। पदम गुणा सभी को खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं, डबल लाइट बन उड़ रहे हैं और उड़ाने के प्लान बना रहे हैं। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ पहले नंबर में मेरी याद द्वारा बाप द्वारा मेरी याद बाप द्वारा आई है। ऐसा क्या समझते कि मुझे चुना किसने? बाप। नाम तो अनेक है लेकिन सभी नंबर वार याद के पात्र। अच्छा, मधुबन वाले सभी शक्तिशाली आत्माएं हो ना, अथक सेवा का पाठ भी बजाया, स्व अध्ययन का पाठ भी बजाया, सेवा में शक्तिशाली बनने का पाठ भी निभाया। सेवा में शक्तिशाली बन अनेक जन्मों के का भविष्य और वर्तमान बनाया। सेवा में शक्तिशाली बन क्या किया? अनेक जन्मों का भविष्य और वर्तमान। तो वर्तमान में बनाया, भविष्य भी जमा किया, सभी ने शारीरिक रेस्ट भी ली, अब फिर सीजन के लिए तैयार हो गए। सीजन में बीमार नहीं होना, इसलिए ये भी हिसाब किताब पूरा किया, बीमारी का भी हिसाब किताब क्या कर लिया। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लॉटरी मिल तो गई, ज्ञान और पदम गुणा जमा हुआ, मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों को रिफ्रेशमेंट है। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लाठी तो मिली गई, अर्थात पदम गुणा जमा हुआ, मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों की रिफ्रेशमेंट अच्छी। जो भी आए सभी को तो लॉटरी मिली है ना,
जगदीश भाई से बात कर रहे हैं। सेवा में शक्तियों के साथ पाठ बजाने के निमित्त बनना ये भी विशेष पाठ है। सेवा से जन्म हुआ है, सेवा से पालना हुई है, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो, सदा सेवा में आगे। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने, इसलिए ये भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। सहयोग सदा प्राप्त है और रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे। सहयोग सदा प्राप्त है और प्राप्त होता रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते रहो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। सेवा के भंडारे में जा रहे हो, विदेश में जाना अर्थात सेवा के भंडार में जाना, शक्तियों के साथ पांडवों का विशेष पाठ, सदा चांस मिलते रहे, सदा चांस मिलते रहे और मिलते रहेंगे। ऐसे ही सभी में विशेषता भरना। अच्छा मोहिनी बहन से सदा विशेष साथ रहने का पाठ है। दिल से भी सदा साथ, साकार रूप में भी श्रेष्ठ साथ की वरदानी आत्मा। सभी को इसी वरदान द्वारा साथ का अनुभव कराना है, अपने वरदान से औरों को भी वरदानी बनाना है। मेहनत से मोहब्बत क्या होती है, मेहनत से छूटना है, मोहब्बत में रहना है, वे सब को विशेष अनुभव हो इसलिए जा रही हो। विशेष आत्माएं मेहनत नहीं करना चाहती हैं, थक गई हैं। ऐसी आत्माओं को सदा काल के लिए आप नंबर वार ऐसी आत्माओं को सदा के लिए साथ, नंबर वार तो है ही, मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव करो। सदा लाटरी लेने वाले सहज पुरुषार्थी, मेहनत से मोहब्बत का अनुभव क्या है, मेहनत से मोहब्बत का अनुभव क्या है, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, और बाबा से प्यार होता है। जो दृढ़ संकल्प किया वो बहुत अच्छा है। सदा अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प रोजाना रिवाइज करना। आप पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, सदा अपना विशेष पाठ को देखकर हर्षित होते रहते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो, विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठ।
थारी आत्मा। अब जो जैसा जैसी स्मृति होगी वैसी उसकी सिद्धि स्वतः हो जाएगी। हर कर्म हर बोल विशेष साधारणता खत्म, विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते, सदा स्मृति में रहे कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेगी, किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं में किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग उत्साह आता है। कहां भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर दिखाई दे। कहां भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जो विशेष आत्मा होगी वो कहीं भी जाएगी विशेष दिखाई देगी। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर कोयले की खान के अंदर पड़ा होता है, हीरा जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देगा। हीरा हीरा ही रहता है, ऐसे किसी भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित। बॉम्बे वालों के लिए याद प्यार दे रहे बाबा, बॉम्बे में सबसे पहले संदेश देना चाहिए। बॉम्बे वाले बिजी भी बहुत रहते हैं, बिजी रहने वालों को बहुत समय पहले से संदेश देना चाहिए, नहीं तो उलहना देंगे, हम तो बिजी थे, आपने बताया भी नहीं, इसलिए उनको अभी से अच्छी तरह जगाना है। तो बॉम्बे वाले वालों को कहना कि अपने जन्म की विशेषता को सेवा में विशेष लगाते चलो, इसी से सफलता सहज अनुभव करेंगे। हर एक के जन्म की विशेषता है, उस विशेषता को सिर्फ हर समय काम में लगाओ, उस विशेषता को सिर्फ हर समय काम में लगाओ, अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ, सिर्फ अंदर नहीं रखो, स्टेज पर भी लाओ, अंदर नहीं रखो। मंत्र मंत्र से हम ऐसा कहीं पहुंच जाए परंतु स्टेज के अंदर नहीं, सबको बांट दो। अव्यक्त मूल्य से चुने हुए प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, एकाग्रता की शक्ति कौन सी अनुभूतियां कराती है? एकाग्रता की शक्ति कौन सी अनुभूतियां कराती है? एकाग्रता की शक्ति से मालिकपन की शक्ति आती है, जिससे सहज निर्विघ्न स्थिति का अनुभव होता है, युद्ध नहीं करना पड़ता, सहज युद्ध है तो मोहब्बत नहीं। शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, बस बुद्धि में क्या बैठ जाता है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। यह अनुभूति होती है,
एक रस फरिश्ता की स्वतः फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति स्वतः होती है। चार सर्व के प्रति स्नेह कल्याण सम्मान, सबके प्रति क्या हो, कल्याण की भावना हो, सबका हित हो, सबका सम्मान हो, इसी पर लगे हो। प्रश्न, ब्रह्मा बाप समान जैसे जैसे संपन्नता को समीप संपन्नता का समय समीप आता जाएगा वैसे वैसे कौन सा स्वमान रहेगा। ब्रह्मा बाप समान जैसे जैसे समानता का समय समीप आता जाएगा वैसे कौन सा स्वमान रहेगा। फरिश्ता स्थिति का स्वमान, चलते फिरते फरिश्ता रूप देह भान रहित, जैसे ब्रह्मा बाप से कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह में उड़ाते भी यह देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप की अनुभूति की। ऐसा लगता था जैसे बात भी कर रहा है लेकिन यहां है नहीं। ब्रह्मा बाबा लास्ट स्टेज पर ऐसे लगते थे जैसे बात भी कर रहे हैं और अभी जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहां नहीं है, देख रहा है लेकिन सृष्टि अलौकिक है। देह भान से न्यारा, दूसरों को भी देह के भान से न्यारा रूप दिखाई दे रहा है, इसको कहते इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता। फरिश्ते रूप के साथ फरिश्ता बन वतन में चलना है तो किस बात पर अटेंशन दो, मन की एकाग्रता पर, ऑर्डर से मन को चलाओ। जैसे नंबर वन ब्रह्मा की आत्मा ने साकार रूप में फरिश्ता जीवन को का अनुभव कराया, फरिश्ता बन गया, ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी चेक करो औरों को भी कराओ, क्योंकि सदा फरिश्ता बने बिना देवता बन नहीं सकते। कौन सी अवस्था वशीभूत अवस्था है जो अच्छी नहीं लगती। कई बच्चे कहते चाहते नहीं है, सोचते नहीं है, चाहते भी नहीं सोचते भी नहीं, लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, ये है मन के वशीभूत होना। ये है मन के वशीभूत होना। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप से अनुभव, बाप ने अनुभव किया कि सामने फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। मन को ब्रह्मा बाप के साथ फॉलो नहीं करना। क्वेश्चन है वरदान, व्यर्थ वा माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ वा माया से इनोसेंट, व्यर्थ भी ना पता हो और माया का भी पता हो। व्यर्थ क्या होता है और माया से इनोसेंट,
देह बाल से छूटा, आत्मा समझ कर वो दुनिया में चला गया। भाई साहब कई बार क्या होता है, आंखें जो देखती है ना इतना भी गलत देखती है, सब गलत ही है, नेगेटिव है, तो आंखें जैसे ही देखेंगी वो इंस्टेंट आता है, तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को कई बार संभालना कि कैसे वो शक्ति लाए, कैसे समझे और कैसे समझाएं ये सब गलत। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा हो, और हमारे पास कोई व्यर्थ की बातें न हो, और माया माना हमारी कमियां कमजोरियां इनसे इनोसेंट इनोसेंट माना जानते ही नहीं, जानते नहीं कि माया क्या होती है, जानते नहीं कि व्यर्थ क्या होता है। सतयुग में वही आत्माएं जाएंगी जिनको पता ही नहीं होगा व्यर्थ होता क्या है, मतलब एक भी संकल्प वेस्ट नहीं, कोई कमी उनको पता ही नहीं, कुछ चाहिए ये उन्हें पता ही नहीं, हमने किसी से मांगना है ये उनको पता ही नहीं। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहा जाता है, इसे कहा जाएगा व्यर्थ की अवैध्या स्वरूप बनो, क्योंकि वे ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश यथार्थता का होश खत्म कर, यथार्थता का होश खत्म कर देता है, सत्यता का भी होश खत्म। ये संस्कार अपने अंदर इमर्ज करो कि जैसे देवता इनोसेंट थे हम भी देवता बनने जा रहे हैं, अब हमने व्यर्थ को और नेगेटिव को आने ही नहीं देना, संकल्प ही नहीं आने देना। समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट हो, इसलिए जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः अनुभव होगी, जब व्यर्थ नहीं होगा आपका एक एक संकल्प अवश्य और श्रेष्ठ होगा। श्लोकर जब व्यर्थ की अविद्या होगी ना तब दिव्यता अनुभव होगी और तब दूसरों को भी अनुभव करा सकते। स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, सूचना आज की विशेष सूचना है। आज मास का तीसरा रविवार है, सभी संगठित रूप में साढ़े 6:30 से 7:30 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग में सम्मिलित होकर अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा पूरे विश्व को शांति का सकाश देने का सारा दिन चलते फिरते सवेरे से सारा दिन चलते फिरते निराकारी आत्मा और कर्म करते फरिश्ता समझ कर कर्म योगी बनकर रहे।